अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली माइक्रोबायोलॉजिस्ट से पूछा भी जाता है जब कहीं उसका इंटरव्यू होता है कि वाई 0.5 एंड 5 माइक्रोन पार्टिकल्स आर मायल्ड, के प्रोडक्शन एरिया में या स्टेरिलिटी रूम एरिया में या कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर आप सिर्फ 0.5 और 5 माइक्रोन के साइज़ के पार्टिकल्स ही क्यों मैयर करते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं करते 10 माइक्रोन के, 15 माइक्रोन के, या इससे कम क्यों नहीं चेक करते हैं। और जो गाइडलाइंस हैं GMP हो गई, WHO हो गई, जितने भी गाइडलाइंस हैं वो क्यों फोर्स करती हैं कि आप सिर्फ 0.5 और 5 माइक्रोन के पार्टिकल्स ही चेक करें। अब इसका एग्जैक्ट आंसर देने से पहले थोड़ा सा आप उसको बैकग्राउंड बता दें जो भी आपसे ये क्वेश्चन रेज करता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट से कि क्यों सिर्फ आप 0.5 और 5 माइक्रोन के पार्टिकल्स ही चेक करते हैं, तो उसको थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दें। बैकग्राउंड क्या है कि नॉन वायबल पार्टिकल जनरेट कैसे होते हैं उस एरिया में जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, पहले तो उसको ये बेसिक कंसेप्ट दे दें कि भाई नॉन वायबल पार्टिकल्स जो जनरेट होते हैं ना, जो आपका एक सिस्टम चल रहा है उससे जनरेट होते हैं, प्रोसेस जो एक प्रोसेस चल रहा है, फिलिंग प्रोसेस जो भी चल रहा है वहाँ से क्या होते हैं पार्टिकल्स, ये जनरेट होते हैं नॉन वायबल। और थर्ड जो वे है ना, वहाँ पे जो पर्सन मौजूद हैं उनकी मूवमेंट से भी ये नॉन वायबल पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। ये तीन सोर्सेज हैं जिनसे नॉन वायबल पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। पहले उसको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज या कंसेप्ट दे दें उनको, उसके बाद दूसरा बताना है कि हाउ जनरेट वायबल, कि वायबल जो है ना जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कैसे जनरेट होते हैं। उसका जो सिंगल एंड बेहद इम्पॉर्टेंट सोर्स है ना वो होता है पर्सनल। और आपको पता होना चाहिए कि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी से शेड होते हैं कंटिन्यूसली, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया शेड होते रहते हैं ह्यूमन बॉडी से। तो वायबल पार्टिकल्स जो है ना, वायबल वो पर्सनल से जनरेट होते हैं और नॉन वायबल प्रोसेस सिस्टम और मूवमेंट से जनरेट होते हैं। ये दो बेसिक कंसेप्ट उसको दे दी। अब हाउ मूव बैक्टीरिया, अब उसको ये बताना कि ये बैक्टीरिया मूव कैसे करते हैं। अब बैक्टीरिया एज सच खुद तो मूव नहीं ना कर सकता, उसको एक सोर्स चाहिए मूवमेंट करने के लिए। तो वो मूवमेंट सोर्स कौन सा है यहाँ पे, वो है नॉन वायबल पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स के साथ वो क्या होगा, पहले अटैच करेगा अपने आप को, फिर जाके वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है मतलब यूनिट चल रहे होते हैं ना, तो वो उनके हवा के ज़रिए क्या होगा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा बैक्टीरिया। ठीक हो गया। अब बैक्टीरिया रेंज साइज़, अब जो सूटेबल आंसर एंड पे वो ये बताना है कि हम 0.5 और 5 माइक्रोन के पार्टिकल इसलिए चेक करते हैं कि बैक्टीरिया का जो साइज़ स्टार्ट होता है वो 0.5 माइक्रोन से ऑलमोस्ट बैक्टीरिया का साइज़ होता है, और 5 माइक्रोन इसलिए कि ह्यूमन बॉडी से जो शेडिंग होती है ना हर कंटिन्यूसली, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो शेड होते रहते हैं ह्यूमन बॉडी से, उनका जो साइज़ है ना, या हम स्किन सेल्स जिसको हम बोलते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 5 माइक्रोन होता है। तो इसीलिए किसी भी फार्मास्यूटिकल के अंदर 0.5 और 5 माइक्रोन के पार्टिकल्स इसीलिए चेक करते हैं कि 0.5 माइक्रोन के जो बैक्टीरिया का साइज़ होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और 5 माइक्रोन ह्यूमन स्किन सेल्स या ह्यूमन से जो शेडिंग होती है पार्टिकल्स या बैक्टीरिया की, तो वो उनका साइज़ क्या होता है 5 माइक्रोन। तो इसीलिए इन दो रेंज के दरमियान गाइडलाइंस भी कहती हैं कि इसी के दरमियान आप क्या करें, पार्टिकल चेक करें। होप सो आप लोगों को पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।